हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूं कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास इलेवेंथ ट्वेल्थ बीबीए बीकॉम और एम के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनकी सीक्वेंस में कम्प्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है विद नोट्स एंड नोमरिकल राइट आज के इस लेक्चर में हम जॉब कॉस्टिंग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उसी पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे आज के लेक्चर में जॉब कॉस्टिंग 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 इज वन ऑफ 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 द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड वैसे जितने भी मेथड्स एंड टेक्निक है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ जिसमें मैंने जितने भी मेथड से कुछ नौ दस मेथड्स थे उनका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया था और अब मैं एक एक मेथड को डिटेल में विद नोमरिकल एंड विद प्रोसीजर अब मैं कवर कर रही हूँ तो इसी सीरीज में आज ही मेरा दूसरा लेक्चर है लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग डिस्कस किया था आज हम सेकेंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग दैट इज जॉब कॉस्टिंग ये डिस्कस करने वाले हैं राइट right? और एक बात और कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अकाउंटिंग पर इसी तरीके से लेक्चर वीडियोस बनाती रहूं तो आपको मेरे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा राइट और एक बात और की अगर ये लेक्चर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगे ना तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा ओके तो फिर चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो हम देखेंगे ये जो जॉब कॉस्टिंग है इसका क्या मतलब है जॉब कॉस्टिंग के क्या फीचर्स हैं जॉब कॉस्टिंग का प्रोसीजर क्या है और फिर उसी पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे आज के लेक्चर में राइट right? तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जॉब कॉस्टिंग तो जॉब कॉस्टिंग क्या है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग ये भी कॉस्ट को डिटरमाइन करने का एक मेथड है जहां पर हम एक पर्टिकुलर जॉब एक पर्टिकुलर टास्क की कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं उसे कहा जाता है जॉब कॉस्टिंग अगर हमें इंडस्ट्रीज को मेजर डिवाइड करना हो तो हम इंडस्ट्रीज को मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं पहला होता है जॉब ऑर्डर इंडस्ट्री दूसरा होता है मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री ठीक है तो जॉब ऑर्डर इंडस्ट्री क्या होती है जॉब ऑर्डर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पर वर्क या प्रोडक्शन किया जाता है एज पर द ऑर्डर नाम क्या है जॉब ऑर्डर यानी एज पर द ऑर्डर ऑफ कस्टमर कस्टमर जैसा ऑर्डर प्लेस करता है कस्टमर जैसी रिक्वायरमेंट बताता है कस्टमर जैसी प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन बताता है वैसा जॉब परफॉर्म होता है ठीक है तो पहली टाइप की इंडस्ट्री क्या हो गई जॉब ऑर्डर इंडस्ट्री जहां पे प्रोडक्ट बनाया जाता हो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर ठीक है उसे हम जॉब ऑर्डर इंडस्ट्री कहते हैं दूसरा है मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री नाम से ही समझ में आ रहा है मास प्रोडक्शन यानी जहां पर बल्क में मास में ठीक है यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट यूनिफॉर्म मतलब सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाया जाता हो उसे कहते हैं मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री ठीक है तो ये जॉब कॉस्टिंग बेसिकली कहां यूज होता है आप बताइए जॉब कॉस्टिंग जो मेथड है वो कहां पे यूज करेंगे जॉब ऑर्डर इंडस्ट्री में यूज करेंगे कि मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री में यूज करेंगे तो इसका जवाब है ये जो जॉब कॉस्टिंग मेथड है ये जॉब ऑर्डर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो यूनिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट है कस्टमर ने जैसी डिटेल दी है उसके हिसाब से यहाँ पर हर जॉब परफॉर्म होता है और उस जॉब की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज करते हैं ठीक है जॉब कॉस्ट ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है जॉब कॉस्टिंग या जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ये वो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है कॉस्ट को डिटरमाइन करने का वो मेथड है जो यूज किया जाता है जॉब ऑर्डर इंडस्ट्री में यानी इस टाइप की इंडस्ट्री में जहां पे प्रोडक्ट यूनिक हो जहां पे हर प्रोडक्ट अलग हो और वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता हो ठीक है जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रिंटिंग प्रेस बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पे कस्टमर डिटेल बताता है कि हमें ऐसा आर्टिकल चाहिए हमें ऐसा कार्ड छपवाना है और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाया जाता है दूसरा एग्जाम्पल है इंटीरियर डेकोरेशन ठीक है यहाँ पे भी कस्टमर अपनी डिटेलिंग बताता है उसके हिसाब से इंटीरियर डिजाइनर उसके घर को या उसके ऑफिस को डिजाइन करता है नेक्स्ट है मशीन टूल का एग्जाम्पल आपकी सपोज करिए कोई फैक्ट्री है जहां पे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए कुछ स्पेशल मशीनरी की आपको रिक्वायरमेंट है ठीक है तो आप जो मशीन टूल बनाने वाली जो कंपनीज uh, हैं उनको आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पे मशीन टूल बनाया जा रहा है तो ये क्या है यहाँ पे एक जॉब परफॉर्म हो रहा है एक स्पेशल टाइप का टास्क परफॉर्म हो रहा है और उसकी कॉस्ट निकालने की कोशिश की जाती है जॉब कॉस्टिंग में राइट चलिए जॉब कॉस्टिंग के कुछ फीचर्स देख लेते हैं वैसे ही ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं बट शॉर्ट में मैं आपको फिर से बता देती हूँ जॉब कॉस्टिंग के फीचर क्या है सबसे पहला फीचर है यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है अगेंस्ट द कस्टमर ऑर्डर ठीक है कस्टमर जैसा ऑर्डर देता है कस्टमर जैसी स्पेसिफिकेशन बताता है उसके हिसाब से प्रोडक्शन किया जाता है ठीक है प्रोडक्ट के हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से प्रोडक्शन होता है ठीक है दूसरा फीचर क्या है कि हर जॉब यूनिक होता है हर जॉब डिस्टिंक्ट होता है हर जॉब एवरी जॉब हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक हर जॉब के अपने कुछ फीचर होते हैं ठीक है तीसरा फीचर क्या है जॉब कॉस्टिंग का कि फ्लो ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम वन डिपार्टमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होता है ये सिमिलर नहीं होता है ऑब्वियसली नहीं सिमिलर होगा क्यों नहीं सिमिलर होगा क्योंकि यहाँ पे हर प्रोडक्ट यूनिक है हर प्रोडक्ट अलग है नेचर ऑफ जॉब अलग है ठीक है तो प्रोडक्ट अब अगले किस डिपार्टमेंट में जाएगा प्रोसेस होने के लिए ये डिपेंड करता है उस जॉब पर ठीक है तो इसलिए यहाँ पे जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है दिस इज नॉट यूनिफॉर्म वो सिमिलर नहीं होता है हर प्रोडक्ट क्योंकि यहाँ पे अलग होता है इसलिए फ्लो ऑफ प्रोडक्शन भी अलग है राइट चलिए आगे देखते हैं जॉब कॉस्टिंग का प्रोसीजर जॉब कॉस्टिंग यानी जॉब की अगर आपको कॉस्ट निकालनी है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है तो सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज जॉब नंबर जब भी कोई ऑर्डर एक्सेप्ट करती है कोई फैक्ट्री है कोई कंपनी है जब भी कोई ऑर्डर एक्सेप्ट करती है तो सबसे पहले उस जॉब वो जो टास्क कंपनी ने लिया है उसको एक इंडिविजुअल जॉब नंबर असाइन किया जाता है ठीक है जब भी कोई ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाता है तो उस इंडिविजुअल जॉब को एक जॉब नंबर असाइन किया जाता है इसका फायदा क्या है इसका फायदा ये है कि इससे आप उस पर्टिकुलर जॉब को आइडेंटिफाई कर पाते हैं एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन वो जो जॉब है वो अभी कई स्टेजेस से होके गुजरेगी फिर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी तो हर स्टेजेस पे आप उस जॉब को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे अगर आप उसे एक नंबर दे देंगे ठीक है जैसे एग्जाम्पल के लिए जॉब नंबर वन जीरो वन या जॉब नंबर हंड्रेड जॉब नंबर ट्वेंटी एट जॉब नंबर थर्टी तो कोई भी एक नंबर असाइन कर देते हैं यूनिक नंबर ठीक है जैसे अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखिएगा जॉब नंबर ट्वेंटी एट दिया हुआ है उस जॉब को ठीक है और ये जो जॉब नंबर असाइन किया जाता है इसका एक फायदा ये भी होता है कॉस्टिंग के पर्पज से आप उसके लिए जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे बट उस जॉब कॉस्ट शीट का कुछ नंबर होगा ना अगर आप उसे एक नंबर असाइन कर देंगे तो आप इजली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये कौन सा जॉब है ठीक है तो इसलिए जॉब नंबर असाइन किया जाता है दूसरा जो स्टेप है दैट इज प्रोडक्शन ऑर्डर दूसरा जो स्टेप है दैट इज प्रोडक्शन ऑर्डर तो फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है वो बनाता है प्रोडक्शन ऑर्डर ठीक है जिसमें वो ऑथराइज करता है टू स्टार्ट द वर्क ऑन द जॉब कि अब इस जॉब पर काम को स्टार्ट करो वो ऑथराइज करता है तो ऑथराइज करने के लिए जो प्रोडक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है उसे ये बनाना होता है प्रोडक्शन ऑर्डर ठीक है इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जिसमें प्रॉपर सारी डिटेलिंग होती है कि कस्टमर का नाम क्या है और इस जॉब पर कब काम शुरू हुआ कब एक्सपेक्टेड है कि ये जॉब कंप्लीट हो जाएगा जॉब नंबर क्या है और इस जॉब को परफॉर्म करने में क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है क्या टूल रिक्वायर्ड है कितने लेबर रिक्वायर्ड है सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्शन ऑर्डर में होती है ठीक है चलिए अब तीसरा जो स्टेप है दैट इज जॉब कॉस्ट शीट अब फाइनली बनेगी शीट जॉब कॉस्ट शीट ठीक है तो कॉस्ट शीट तो आप जानते हैं कॉस्ट शीट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जितने भी खर्चे हैं जितनी भी कॉस्ट है चाहे वो मटेरियल की हो चाहे लेबर की हो चाहे कोई भी दूसरे एक्सपेंस हो इनको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है दैट इज कॉस्ट शीट ठीक है जॉब कॉस्ट शीट यानी उस पर्टिकुलर जॉब में जितने भी खर्चे आए हैं उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में जितने भी खर्चे आए हैं इनको एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड किया जाता है जॉब कॉस्ट शीट में राइट right? तो ये प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जॉब कॉस्टिंग में आई होप आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है अभी मैं कराऊंगी तो देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली नहीं दी गई है हर चीज आपको अलग से पहले कैलकुलेट करनी है उसके बाद आप इसको में रिकॉर्ड करेंगे ठीक है और इस क्वेश्चन को अभी मैं समझा रही हूं ये जब लेक्चर ओवर हो जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे कॉपी में ठीक है चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ये जो कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है ठीक है कॉस्टिंग का रिकॉर्ड दिया गया है एक कंपनी है जय इंजीनियरिंग वर्क कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है कॉस्टिंग का रिकॉर्ड दिया गया है जय इंजीनियरिंग वर्क एक कंपनी है ठीक है इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब नंबर ट्वेंटी एट मैं बता रही थी ना जॉब नंबर असाइन किया जाता है तो जॉब नंबर ट्वेंटी एट की कुछ इंफॉर्मेशन है कॉस्टिंग का डेटा दिया गया है तो उसमें क्या क्या डेटा दिया है देखते हैं मटेरियल का खर्चा दिया गया है थ्री फोर फाइव जीरो तीन हजार चार सौ पचास मटेरियल का खर्चा है फिर वेजेस यहाँ पे तीन डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ए बी सी तो जो वेजेस का खर्चा है डिपार्टमेंट ए में कितना है सिक्सटी आर एट द रेट रुपीज थ्री पर आर यानी सिक्सटी आर काम होता है साठ घंटे काम होता है एक घंटे का तीन रुपए दिया जा रहा है ठीक है तो डिपार्टमेंट ए का अगर मैं लेबर कॉस्ट निकालना चाहूं तो कितना होगा होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए काम हो रहा है, तीन रुपए पर घंटे का मिल रहा है तो वन एट्टी का, का कितना हो जाएगा वो भी एट्टी हो जाएगा ट्वेंटी मल्टीप्लाईड बाई फोर ठीक है तो तीनों डिपार्टमेंट के वेजेस के खर्चे हमने रिकॉर्ड कर लिए फिर इसके बाद ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का खर्चा तीनों डिपार्टमेंट का दिया गया है अभी जो ओवरहेड है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवर ठीक है तो वेरिएबल ओवरहेड डिपार्टमेंट ए का कितना है रुपीज फोर थाउजेंड फॉर फोर थाउजेंड डायरेक्ट लेबर आर यानी चार हजार डायरेक्ट लेबर आर का खर्चा कितना है चार हजार रुपए, ठीक है ऐसे ही डिपार्टमेंट बी का कितना है तीन हजार रुपए का खर्चा है फॉर फिफ्टीन हंड्रेड डायरेक्ट लेबर आर ही डिपार्टमेंट सी का कितना है वन थाउजेंड रुपीज फॉर फाइव हंड्रेड डायरेक्ट लेबर आर ठीक है तो ये तीनों डिपार्टमेंट के वेरिएबल ओवरहेड के एक्सपेंस बताए गए हैं फिर इसके बाद आपको फिक्स ओवरहेड का भी खर्चा बताया गया है कि फिक्सड ओवरहेड एस्टिमेटेड है रूपीज टेन थाउजेंड फॉर टेन थाउजेंड नॉर्मल वर्किंग आर यानी दस हजार घंटे के दस हजार रुपए

यही चार्ज है ना और ऐसे ही यहाँ पे तीन हजार रुपये पंद्रह सौ घंटे के चार्जेस हैं यानी पंद्रह सौ घंटे के तीन हजार चार्जेस हैं यानी एक घंटे का कितना चार्ज है एक घंटे का दो रुपए का खर्चा है यही मतलब है ना ऐसी अगर मैं डिपार्टमेंट सी की बात करूं वहां पे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि एक घंटे का कितना चार्ज है एक घंटे का दो रुपए का खर्चा है ठीक है एक हजार रुपए का खर्चा है पांच सौ डायरेक्ट लेबर आर का अगर लेबर 500 घंटे काम करते हैं तो वेरिएबल ओवरहेड का कितना खर्चा है एक हजार का है तो वर्कर अगर एक घंटा काम करता है तो कितने खर्चा होगा दो रुपए पर आर का खर्चा होगा ठीक है तो इस तरीके से आप ये निकाल लेंगे पर आर का एक्सपेंस ओवरहेड का ऐसे ही आपने फ़िक्स्ड ओवरहेड के पर आर निकाल लिया और वेरिएबल ओवरहेड का पर आर का एक्सपेंस निकाल लिया ठीक है आगे बढ़ते हैं यू आर रिक्वायर टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर ट्वेंटी एट आपको जो जॉब नंबर ट्वेंटी एट है इसकी कॉस्ट निकालनी है एंड कैलकुलेट द प्राइस टू बी चार्ज सो एज टू गिव द प्रॉफिट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस ये क्वेश्चन काफी अच्छा है इसमें आपको जॉब नंबर जो ट्वेंटी एट है उसकी सबसे पहले तो कॉस्ट निकालनी है ठीक है कॉस्ट निकालनी है उसके साथ ही आपको एक चीज और निकालनी है आपको निकालना है सेलिंग प्राइस आपको निकालना है सेलिंग प्राइस और यहाँ पे प्रॉफिट का फिगर दिया है कि प्रॉफिट इज ट्वेंटी परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस तो आपको सेलिंग प्राइस भी निकालनी है तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीजें निकालनी है एक तो कॉस्ट निकालनी है और निकालना है सेलिंग प्राइस राइट तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा चलिए एक बार वीडियो पॉज करके खुद से भी क्वेश्चन को रीड करिए उसके बाद स्टार्ट करिएगा चलिए अब क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं सबसे ऊपर लिखेंगे कॉस्ट शीट जॉब नंबर ट्वेंटी एट बताया था कॉलम कितने बनेंगे पर्टिकुलर्स का कॉलम और अमाउंट का कॉलम अमाउंट के यहाँ पे दो कॉलम बना दिए गए हैं ताकि टोटल करके इनको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जा सके ठीक है चलिए सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे जितने भी खर्चे क्वेश्चन में दिए हैं तो सबसे पहला एक्सपेंस क्या दिया है डायरेक्ट मटेरियल का तो डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में देखिए थ्री फोर फाइव जीरो तीन हजार चार सौ पचास का है रिकॉर्ड कर लिया हमने फिर इसके बाद डायरेक्ट वेजेस का एक्सपेंस है डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट सी तीनों का अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे डिपार्टमेंट ए में सिक्सटी आर काम होता है तीन आर तीन रुपए पर घंटे के चार्जेस दिए जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करके मैंने बताया था ना वन एट्टी रुपीज हो जाएगा ये देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था तो डिपार्टमेंट ए का जो लेबर चार्ज है दैट इज वन एट्टी डिपार्टमेंट बी का भी मल्टीप्लाई करेंगे एट्टी आ जाएगा और डिपार्टमेंट सी का भी एट्टी आ जाएगा ठीक है अब बताइए डायरेक्ट एक्सपेंस और कुछ है क्वेश्चन में नहीं और कुछ नहीं दिया है तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है उनको सम करते हैं तो हम जानते हैं क्या आता है प्राइम कॉस्ट तो आपने जब थ्री फोर फाइव जीरो और जो डायरेक्ट लेबर है उसको जब सम किया तो आपका आ गया थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड नाइन्टी ठीक है ये आ गई आपकी प्राइम कॉस्ट अब आप इसमें जोड़ेंगे ओवरहेड ओवरहेड यानी वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड दोनों अलग अलग ठीक है अब मैंने आपको बताया था देखिए डिपार्टमेंट ए का वन आर का खर्चा कितना आया अभी मैंने कैलकुलेट किया था वन आर का खर्चा आया वन रुपीज और डिपार्टमेंट ए में कितने घंटे काम हो रहा है क्वेश्चन में देखिए डिपार्टमेंट ए में सिक्सटी आर काम हो रहा है ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना सिक्सटी आर काम हो रहा है साठ घंटे काम हो रहा है डिपार्टमेंट ए में और एक घंटे का कितना दिया जा रहा है एक रुपए दिया जा रहा है तो सिक्सटी आर को आप एक रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका सिक्सटी ये बात समझ में आई यहां पर जो डेटा दिया गया है ओवरहेड का वेरिएबल ओवरहेड का वो डायरेक्टली नहीं दिया है आपको वन आवर का एक्सपेंस निकालना होगा एक घंटे का खर्चा निकालना होगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करना होगा उस डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम होता है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है ये बात समझ में आई तो आपने निकाला डिपार्टमेंट ए का एक घंटे का एक रुपए का खर्चा डिपार्टमेंट बी का दो रुपए का खर्चा डिपार्टमेंट सी का दो रुपए का खर्चा ठीक है तो वही हमने किया है ये वन रुपी पर आवर टू रूपी पर आर और ये भी टू रुपीज पर आर फिर इनको नंबर ऑफ आर से मल्टीप्लाई किया है डिपार्टमेंट बी में चालीस घंटे काम हो रहा है तो यहाँ पे आ गया एट्टी डिपार्टमेंट सी में बीस घंटे काम हो रहा है तो यहाँ पे आ गया फोर्टी ठीक है तो अब आप तीनों जो वेरिएबल ओवरहेड है इनको सम करेंगे यू विल गेट वन एट्टी आ गया यहाँ तक अब इसके बाद आ जाइए फिक्स ओवरहेड पे अगली जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है दैट इज फिक्स ओवर तो फिक्स ओवरहेड पे जब आपने निकाला तो आपने देखा एक घंटे का एक रुपए का खर्चा है ठीक है तो एक घंटे का एक रुपे. ठीक है लेकिन तीनों डिपार्टमेंट का मिला के कितने घंटे का काम हो रहा है तो देखिए यहां पे दिया है ना सिक्सटी प्लस फोर्टी प्लस ट्वेंटी यानी वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी आवर्स काम हो रहा है ठीक है तो वन ट्वेंटी को वन से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट वन ट्वेंटी ठीक है तो ये आ गया आपका वेरिएबल ओवरहेड का टोटल खर्चा ये आ गया आपका फिक्स्ड ओवरहेड का टोटल खर्चा ठीक है यहाँ पे निकाल लिया अब आप सबको सम करिए आपने प्राइम कॉस्ट में वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड ओवरहेड ऐड किया तो आ गई आपकी टोटल कॉस्ट फोर थाउजेंड नाइन्टी ठीक है ये आ गया टोटल कॉस्ट ये देखिए टोटल कॉस्ट आ गया फोर थाउजेंड नाइन्टी आसानी से आ गया जितने भी खर्चे उनको ऐड किया यू गॉट द टोटल कॉस्ट आपका आ गया टोटल कॉस्ट यहां तक क्वेश्चन समझ में आया ठीक है अब एक बात बताइए इस क्वेश्चन में दो चीजें कैलकुलेट करनी है टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है हमने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली कितनी आई बताइए कितनी आई फोर थाउजेंड नाइन्टी बहुत आसानी से यहां तक हमने सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली अब मैंने बताया कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये इसीलिए मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि अभी एक और ट्विस्ट है क्वेश्चन में और वो बहुत अच्छा ट्विस्ट है बहुत अच्छा लॉजिक अभी आप समझेंगे देखिए यहाँ पर अगर अब आपको आगे की इंफॉर्मेशन दी है कि जो प्रॉफिट है वो क्या है ट्वेंटी परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट इज ट्वेंटी परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस अब हमें देखिए अगला स्टेप जो है हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है ठीक है अब सेलिंग प्राइस क्या होती है कॉस्ट में आप प्रॉफिट जोड़िए आ जाएगा सेलिंग प्राइस ये ठीक है कॉस्ट में आप प्रॉफिट जोड़िए आ जाएगा सेलिंग प्राइस ये तो पढ़ा है ना फिफ्थ क्लास में पेन पांच रुपए की है पांच रुपए का प्रॉफिट जोड़ो तब पेन की सेलिंग प्राइस आ जाती पे दस रुपए ये लॉजिक तो आपको पता है बट कॉस्ट हमने निकाल ली फोर थाउजेंड नाइन्टी आ गया अब हमारा अगला स्टेप होना है कि हमें प्रॉफिट निकालना है बट बताइए क्वेश्चन में प्रॉफिट कैसे निकलेगा प्रॉफिट दिया है ट्वेंटी परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस ये बात समझ में आ रही है प्रॉफिट क्या है ऑन सेलिंग सेलिंग प्राइस प्राइस और हमें पता ही नहीं है। अगर 20 होता, तब तो अगर कोई दिक्कत नहीं थी हमारा आ जाता प्रॉफिट और प्रॉफिट को हम ऐड करते में तो हमारा आ जाता सेलिंग प्राइस और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता लेकिन आपको दिया है कि प्रॉफिट इज ट्वेंटी ऑन सेलिंग प्राइस तो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे ठीक है तो इसका जवाब आप पढ़ चुके हैं आप सिक्स या सेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड ये देखिए यूनिटरी मेथड आपने या सेवेंथ क्लास में पढ़ा होगा कि अगर एक सेब दस रुपए का है तो पांच सेब कितने के होंगे ये वाला लॉजिक पढ़ा था ना कि एक सेब अगर दस रुपए का है तो पांच सेब कितने के होंगे पचास रुपए के होंगे मल्टीप्लाई करके निकाला है ना बस इसी को कहते हैं यूनिटरी मेथड अब आपको आगे यूनिट्री मेथड यूज करना है ठीक है और ये बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये जो लॉजिक है ना बहुत क्वेश्चन में यूज होता है ठीक है और बुक्स में इतनी डिटेल में कहीं नहीं दिया होता है क्योंकि ये आ, क्योंकि बुक में ये समझा जाता है क्योंकि आप सिक्स और सेवन्थ क्लास में लॉजिक पढ़ चुके हैं बट मैंने देखा है बच्चों को ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब ध्यान में नहीं रहता है तो थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा इस स्लाइड को ध्यान से समझिएगा प्रॉफिट क्या है प्रॉफिट दिया गया है ट्वेंटी ऑन सेलिंग प्राइस ये दिया गया है बट क्या सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दी है नहीं दी है ना तो हम सपोज करेंगे कि लेट सेलिंग प्राइस इज हंड्रेड सेलिंग प्राइस हंड्रेड है तो सेलिंग प्राइस अगर हंड्रेड है तो प्रॉफिट कितना है ट्वेंटी परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट आ गया ट्वेंटी ठीक है प्रॉफिट अगर ट्वेंटी है तो कॉस्ट प्राइस कितनी है एट्टी है ये बात समझ में आई क्योंकि कॉस्ट क्योंकि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तभी तो आता है प्रॉफिट ठीक तो है, है तो सेलिंग प्राइस अगर हंड्रेड है और प्रॉफिट अगर ट्वेंटी अब यहां से लगाएंगे यूनिटरी मेथड कि व्हेन कॉस्ट प्राइस इज मेथडी जब कॉस्ट प्राइस एट्टी है तो प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट ट्वेंटी रुपीज है ये देखिए कॉस्ट प्राइस अगर एट्टी है तो प्रॉफिट है ट्वेंटी रुपीज अगर कॉस्ट प्राइस वन है तो प्रॉफिट कितना होगा प्रॉफिट होगा ट्वेंटी बाई एट्टी ठीक है प्रॉफिट कितना होगा ट्वेंटी बाई एट्टी और अगर कॉस्ट प्राइस है फोर थाउजेंड नाइन्टी जो अभी आपने कॉस्ट शीट में निकाला है कि अगर फोर थाउजेंड नाइन्टी तो प्रॉफिट कितना होगा ट्वेंटी बाई एट्टी मल्टीप्लाई बाई फोर थाउजेंड नाइन्टी ये बात समझ में आई कॉस्ट प्राइस अगर एट्टी है तो प्रॉफिट कितना हुआ बीस ये भी आपने ऊपर देखा कॉस्ट प्राइस अगर वन है तो प्रॉफिट कितना हुआ ट्वेंटी बाई एट्टी तो पिछली जो कॉस्ट शीट थी उसमें आपने निकाला कि कॉस्ट प्राइस है 4,090. तो कॉस्ट प्राइस अगर 4,090 है तो प्रॉफिट कितना होगा 20 बाई एटी मल्टीप्लाइड बाई फोर और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट वन थाउजेंड ट्वेंटी टू रुपीज फिफ्टी पैसा तो ये आ गया आपका प्रॉफिट ठीक है समझ में आ गया न समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करिएगा अब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो आपने निकाल लिया प्रॉफिट प्रॉफिट कितना आया वन थाउजेंड ट्वेंटी टू रुपीज फिफ्टी पैसा लिया है प्रॉफिट आ गया दोनों को जोड़िए यू विल गेट द सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस वही तो होती है कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़िए आ गया सेलिंग प्राइस तो आंसर आ गया आपका फाइव थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेल्व फिफ्टी पैसा ठीक है तो इस तरीके से आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे राइट right? ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा इसमें बहुत सारा ट्विस्ट है देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन केवल एक मटेरियल की इंफॉर्मेशन आपको डायरेक्टली दी है बाकी हर आइटम आपको कैलकुलेट करना है वेजेस भी डायरेक्टली नहीं दिए आपको समझना होगा वेरिएबल ओवरहेड भी नहीं दिया है डायरेक्टली ना आपको फिक्स ओवरहेड डायरेक्टली दिया है और आपको इवन प्रॉफिट भी डायरेक्टली नहीं दिया है उसके लिए आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा ठीक है तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ठीक है इसको जरूर ट्राई करिएगा तो चलिए मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग डिस्कस करेंगे ओके okay? तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर थैंक यू एंड हैव अ गुड डे गॉड ब्लेस यू